तो यार अभी प्राग में ही था। सो भाई पूरे दिन घूमा वूमा, ज़्यादा एज सच वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि घूम रहा था। बट फिर मैं होटल चला गया 9-10 बजे के करीब। मैंने सोचा लेकिन यार थोड़ा सा आपको भी व्यू दे दिया जाए भाई कि कैसा लगता है नाइट में प्राग में, क्या सीन रहता है भाई। सबसे पहले तो अगर आप सीनरी देखा का स्ट्रक्चर एक नंबर है भाई, कोई कंपेयर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से। आप यहाँ का स्ट्रक्चर भाई नहीं कंपेयर कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट है यार। तो कनाडा जब मैं जैसे मैं क्रिसमस भाई लास्ट ईयर मनाया ही था, वहाँ की लाइटिंग और यहाँ की लाइटिंग में इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई। जैसे टोरंटो में मतलब एक बड़ा सा ट्री, मतलब एक ट्री होता है क्रिसमस ट्री, उसको ही भाई लाइटिंग वाइटिंग कर दी। और यार वो ट्री यहाँ पर बड़ा नॉर्मल सा आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर लाइटिंग हर एक चीज़ कितनी तगड़ी है यार, देखो चाहे वो कैंडी शॉप हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो यार, मतलब पेड़ों पे कोई ऐसी जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है भाई। सो अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है ऐसी प्लेस पे जाके, सो भाई पराग आ जाओ यार, मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा दिन की ट्रिप मत बनाओ, 2 दिन की ट्रिप बनाओ, क्योंकि पराग तगड़ा है और 2 दिन में आप पूरा कवर कर लोगे A to Z। क्योंकि पराग भाई ऐसा है जिसे आप ऑन योर फुट कवर कर सकते हो पूरा, क्योंकि इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं है बट स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। आप देखो कितना प्यारे स्ट्रक्चर्स हैं यार। सो भाई ये है, चाहे आप देख दिख रहा हो आपको पीछे भाई, लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली। पहली बात तो यार यहाँ पर जो चलता है ऑफकोर्स कोरोन जो यहाँ की करेंसी है वो चेक कोरोना करेंसी है, वो कुछ ऐसे दिखते, दिखाता हूँ आपको यार, ऐसी दिखती है, पेपर के नोट्स हैं बिल्कुल, जैसे अपने कनाडा में क्या होता है भाई, कनाडा में क्या होता है अपना जो नोट होते हैं वो पूरे प्लास्टिक के होते हैं, बट यहाँ पर सारे नोट पेपर के हैं। तो करेंसी भी एक्सचेंज करा के आना या फिर कोई कार्ड लेके आना जिससे आप पेमेंट कर सको, क्योंकि जो वन यूरो इज इक्वल टू लाइक अराउंड 24 ऑफ चेक की करेंसी है। ये देखो पीछे भाई कितना देख रहे हो, अगर आपको कुछ सुवेनियर किसी को देना है भाई, आई लव पराग। और नाइट लाइफ यार यहाँ की बहुत स्ट्रांग है, आप अगर अकेले आ रहे हो भाई, मुझे इतना सा भी कुछ नहीं लगा यार यहाँ पर, तो अगर अकेले आ रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसा मत मानो, सेफ हो यार बिल्कुल। अभी यार यहाँ पर अराउंड 11:30-12 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, और उसके बाद भी आप इतनी पब्लिक देख रहे हो। पहली बात तो यार थोड़ा ऑफकोर्स क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है तो इसलिए भी टूरिस्ट ज़्यादा हैं इस टाइम, बट स्टिल भाई साहब स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखे इससे बेस्ट आज तक कहीं के भी। बट यार ऑफकोर्स देखो, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो आपकी अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, तो यार वो तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको जरा दिखा देता हूँ इधर से कैसा लग रहा है सब कुछ। वो देख रहे हो इतना टूरिस्ट आने के बाद भी रोड्स इतनी क्लियर हैं भाई, बिल्कुल ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पर यार, मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग। सो वैसे अब शक्ल भी दिख रही है यार पीछे थोड़ी लाइटिंग भी, और भाई ब्रांड भी आप क्या हो गए ना यहाँ पर सारे ब्रांड है, लुई विटों अरमानी A to Z आपको जो कहोगे वो ब्रांड मिल जाएगा। वो रहा देखो पीछे कैसीनो, पता नहीं दिखा भी होगा या नहीं दिखा होगा, मैंने तो ऐसे घुमा दिया था तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भाई ने काटा। दिखाता हूँ यार आपको कैसीनो भी, ऐसी बात नहीं है।
पीछे क्यों दुखी हो रहे हैं डायमंड की दुकान घुसने के लिए भाई? लोगों से जो पंगा कर रहे हैं करने दो, वी डोंट इंटरप्ट दीज गाइस। आपको एक बार मॉर्निंग में भी दिखाऊंगा कैसा सा लगता है भाई, मॉर्निंग में कितना प्यारा लगता है जब। सॉरी आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं लगा कि भाई पीछे खड़ा था, वहाँ पर कैसीनो था जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उसके नीचे स्ट्रिप क्लब भी है अगर किसको जाना। तो भाई कह रहा था एंट्री इज फ्री। आई नो ब्रो एंट्री फ्री होगी भाई, पैसा तो आप अंदर लोगे ना। आई नो भाई एंट्रीज तो फ्री होगी बट पैसा तो आप अंदर लोगे हमसे। सो हमने कहा हम बताते हैं, ज्ञान ना पेला जाए हमें, हमें जो करना है हम करेंगे। बड़ी यहाँ पर भाई अच्छे खासे क्लब व्लब बहुत हैं अगर किसी को जाना है तो। आपको क्या लगता है वैसे वहाँ जाके एक बार शॉट देना चाहिए था कि कैसा है वो या नहीं? व्हाट इज योर आंसर? नो राइट, परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू गाइस। अब पता भी नहीं, क्या पता मैं अंदर होकर आ भी गया हूँ और मैं आपको बता नहीं रहा। आई जस्ट किडिंग गाइस। भाई थोड़ा दूसरी कंट्री में आए हैं यार, तो भाई अपना हिसाब देख के चलना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो आप, कैसा है। Jungle.